सकता है, लेकिन इस समय जो है रोपनी का आधा भी काम नहीं हो पाया है। और ये नहरी इलाका है, यानी कि यहाँ पर पूरी तरह की पानी की व्यवस्था है, एक भी रोपनी आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अकाल की समस्या आ चुकी है। भविष्यवाणी भी कई बार वैज्ञानिकों के द्वारा की गई कि नहीं बारिश आज होगी कल होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तक बारिश भी नहीं हुई। आइए हम चाचा से बात करते हैं कि रोपनी इस तरह से कितना प्रभावित हुआ है। अभी प्रभाव रोपनी हमने किया कुछ नहीं की भाई, 10% सीजन में रोपनी खत्म हो गई है, तो एक पर छठे के अकाल पड़ रहे। का संभावना अगर समय से ना रोपाई खेती तो का धान की उपज बढ़िया हो पाई? ना हो पाई, बरसात ना हुई तो ना हो पाई, नहर से ना हुई। तो आप जैसे देख रहे हैं कि चाचा बता रहे हैं कि नहर की जो पानी है उससे अगर हम लोग खेती निर्भर होकर के करते हैं तो नहीं हो पाएगी। अन्य लोग इनसे भी बात करते हैं कि ये क्या करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? दिनेश पासवान। दिनेश पासवान जी, जैसे कि नहर के पानी से खेती कितना संभव है? नहीं होगा सर, जब तक ले ऊपर से नहीं आएगा पानी तब तक कुछ नहीं होगा। अगर समय से खेती नहीं होता कितना नुकसान होगा? नुकसान बहुत, अकाल पड़ जाएगा, खाकर लोग गरीबी और बढ़ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे गरीब आदमी है एरिया में, जैसे कि गरीब इससे ज्यादा प्रभावित होंगे। आम लोग जो किसान है गरीब वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जब खेती समय से नहीं हो पाएगी तो समय से उपज भी नहीं हो पाएगा। अभी देख रहे हैं कि किसान अपनी जो है बिया को बचाने में लगे हुए हैं, धान का जो बिया है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है रोपने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये अपने धान के बीज को बचाने में लगे हुए हैं कि हम किसी तरह से धान को बीज को बचा लें ताकि भगवान की कृपा होगी, अगर बारिश होगी तो हो जाए। मैं कुमार प्रेमचंद, यहाँ आत्मा देश के लोग प्रखंड जिला रोहतास के रहने वाले हैं। हमारे पास एक कैनाल का कैनाल है जहाँ इंदरपुरी बराज से बहुत सारे जिले को पानी जाती है, और हम लोग के जितना उम्र हुआ अभी तक ये स्थिति नहीं देखा गया था 20 सालों तक कि कैनाल में कभी पानी का कमी नहीं हुआ था, और अभी सोन में ही पानी नहीं है तो कैनाल में क्या पानी जाएगा। और हमसे हम लोग जो है उसके ऊपर 10% भी नहीं हुआ है, तो स्थिति ऐसा है कि हमारे जिला को अगर सही पूछे तो देखा जाए तो इसको सूखाग्रस्त घोषित कर देना चाहिए था सरकार को अभी, और बहुत सारा किसान को मैंने सुविधा देना चाहिए था, या तो धान का रोपनी का या तो बेरोजगारी भर